हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई हैं और किस मोड में एग्ज़ाम होगा ये भी अनाउंस कर दिया गया है। आज मीटिंग थी यूनिवर्सिटी में, तो मीटिंग के बाद ये न्यूज़ निकली है, तो यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया कि ऑफलाइन में होगा या ऑनलाइन में। तो पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होगा, वो क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि CMP का एग्ज़ाम डेट क्या रहता है। तो यूनिवर्सिटी, CMP, ADC सभी एक ही डेट पे एग्ज़ाम होंगे और एक ही पेपर होगा सबका। जो चीज़ें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होती हैं वही सेम चीज़ें सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी होता है, तो आप कन्फ्यूज़न मत पालिए अपने मन में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में काफ़ी ये कन्फ्यूज़न रहता है। जो स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके मन में ये डाउट रहता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज में सभी कुछ सेम रहता है, तो इस बात की चिंता मत करो कि अलग अलग होता है। और जो नोटिस निकल के आ रही है मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कोई। तो नोटिस मैं सीधे सीधे बता देता हूँ कि जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ध्यान देंगे, जो फर्स्ट ईयर सॉरी सर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम होगा 22 अप्रैल से, और उनका सिलेबस 30% कम किया जाएगा और प्रैक्टिकल भी ऑफलाइन ही होगा। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की ये बात थी। अब फर्स्ट ईयर वालों का क्या सीन है, यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट ईयर वालों का भी एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में ही होगा, ठीक है, ऑफलाइन मोड में होगा, लेकिन इनका एग्ज़ाम अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। जी हाँ, यहाँ पे अप्रैल में होगा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। और जो इनका सिलेबस है वो 20% तक घटाया जाएगा, यानी 20% आपका सिलेबस कम किया जाएगा। बाकी आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल दी गई है। मॉडल पेपर मैं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहो ताकि जब मॉडल पेपर मैं प्रोवाइड करूं आपको, आप वो पेपर देख सकें कि कैसा एग्ज़ाम होता है। स्पेशली फर्स्ट ईयर वाले ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके का पेपर आता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है और कितने नंबर का आता है। तो जब ये आपको पता होगा तो आपको एग्ज़ाम हॉल में आसानी होगी चीज़ें करने में। तो जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास ये शेयर करो, जिनको भी ये कन्फ्यूज़न रहती है कि अलग अलग होता है कॉलेजेस में, तो ऐसा नहीं है, तो उनको ज़रूर शेयर करो। वीडियो में इतना ही था, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।